हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे। तो शाम हो चुकी है, हमारे लाला प्रसाद भोजन ग्रहण कर चुके हैं, तो अब रात को अब इनकी रात्रि की सेवा हम शुरू करते हैं। तो मैंने ये दूध ले आई हूँ, हल्का गुनगुना किया है मैंने अपने लाला के लिए ये दूध। तो अब इनका हम भोग लगाएंगे अपने लाला को। पहले छोटे लाला को लगाते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े लाला को लगाएंगे। तो इस प्रकार मैं हर रोज अपने लाला को भोग लगाती हूँ रात्रि को शयन कराने से पहले। तो 5 बार 7 बार इस प्रकार मैं अपने छोटे लाला को मैं ये दूध देती हूँ। हर रोज दूध का भोग लगाती हूँ मैं। उसके बाद मैं अपने लाला की इत्र से मालिश करूंगी। हमें इत्र से ही मालिश करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है इनको इत्र से मालिश कराना। मैंने ये जल पिला दिया है इनको। अब उसके बाद मैं इनसे बोलूंगी अब ये खुद से ग्रहण करें और इनके एक अच्छे से साफ से इनके टॉवल से इनका मुंह साफ कर दूंगी मैं। तो मेरे ये छोटे लाला ने भोग अपना ग्रहण कर लिया है। अब मैं इनकी मालिश करूँगी। तो ये मैंने जो सारे इनको पहना रखे हैं, तो ये मालाएं इनकी, इनके वस्त्र उतार करके आप मालिश करते समय इनके लिए कोई अच्छा सा सुंदर सा एक भजन गा सकते हैं, कोई भी गाना गा सकते हैं, इनसे प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ गुनगुना सकते हैं। तो मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं, पहले मैं इनको गर्म करूँगी जिससे मेरे लाला को ठंड ना लगे, सर्दी ना लगे, मेरे हाथ ठंडे ना लगें। तो मैंने ये इत्र ले लिया है। आप कोई भी इत्र ले सकते हैं जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, और ये बहुत आसानी से मिल जाता है आपको इत्र। आपको जिस फ्लेवर का आपको चाहिए आप उस फ्लेवर का इनको ला सकते हो इत्र को मालिश करने के लिए। तो मैं ज़्यादा देर मालिश नहीं करूँगी अपने लाला की, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, इनको ठंड लगेगी। तो इस प्रकार मैं अपने लाला की हर रोज़ मालिश करती हूँ। कभी कभार नहीं हो पाती है, जैसे हम कहीं जाते हैं तो अपने लाला को साथ ले जाते हैं तो नहीं हो पाती है। जो घर पे इनकी सेवा हो जाती है वो इतना कहीं लेके जाते हैं तो वहाँ पे इतनी इनकी सेवा नहीं हो पाती है। तो कोशिश मैं ये करती हूँ कि घर पे अगर कोई हो तो उनको छोड़ के जा सकूँ, जिससे वो घर पे अच्छे से इनकी सेवा हो सके। तो इनकी मालिश करने के बाद मैं इनके हाथ पाँव दबा करके और इनको शयन कराऊँगी। मेरे क्यूट से लाला हैं, बहुत मुझे इन पे कभी कभी प्यार आता है, बहुत लाड़ लड़ाती हूँ मैं इनको। मैंने इनकी मालिश कर दी है और इनका मैं फेस एक कपड़े से पोंछ दूँगी। फिर इनको वस्त्र पहनाने के बाद इनको शयन कराऊँगी मैं। अब मैं ये छोटे वाले लाला की मालिश करूँगी, इनको सारे वस्त्र पहना देती हूँ जिस प्रकार ये वस्त्र पहने हुए थे। मेरे क्यूट से लाला छोटे वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी मैया मेरी मालिश कब करेगी, जल्दी जल्दी से मेरी भी बारी आने वाली है, मैं भी मालिश करवाऊंगा। छोटे लाला है ना ये, तो इनको मालिश करवाना अच्छा लगता है। तो जब मैं मालिश करती हूँ तो मैं कोई भी एक अच्छा सा गाना इनको सुनाती हूँ, या फिर कोई भी लोरी, या फिर इनके लिए भजन, जो भी मुझे याद आ जाए उस समय पर। और कभी कभी तो ऐसा होता है इनकी मालिश करते करते मैं इतना भावुक हो जाती हूँ, मेरी आँखों में आंसू आते हैं और मैं फिर कुछ बोल नहीं पाती, ना कुछ समझ आता है इनसे क्या बातें करूँ। मेरा ये छोटू सा प्यारू सा लाला आ गया है, लड्डू गोपाल प्यारे से लाला। छोटे से हैं, इनको मालिश करने में भी मुझे लगता है कि कहीं लग लगा ना जाए इनके, बहुत क्यूट से लगते हैं मुझे ये।
और इतने हंसते मुस्कुराते से रहते हैं ये, बहुत स्माइल रहती है इनके फेस में, आपको लगता नहीं होगा देख करके, पर मुझे, मैं इनकी सेवा अर्चना करती हूँ तो मुझे पता है ये बहुत मुस्कुराते हैं। मेरे बड़े वाले लाला से भी ज़्यादा ये हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो मैंने इनका फेस भी क्लीन कर दिया है कपड़े से, अब इनको भी वस्त्र पहना के मैं इनके हाथ पांव दबा के इनको निन्नी कराऊंगी मैं अपने छोटे लाला को। इनकी सेवा करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही परम आनंद का अनुभव होता है। ये छोटे वाले लाला तो मुझे सच में ऐसे लगते हैं जैसे मेरा कोई छोटा ही बच्चा है जिसकी मैं सेवा पानी कर रही हूँ। देखने में और इनकी क्यूट सी स्माइल ऐसी लगती है जैसे छोटा सा ही कोई बच्चा है। तो देखिए मैंने इस तरीके से अपने छोटे वाले क्यूट से लाला को सुला दिया है, अब ये निन्नी कर लेंगे तो मैं इनको बेड पे लिटा देती हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे मेरे लाला। अब मैं इन बड़े वाले लाला को सुलाऊंगी, तो इनको पहले मैं हाथ पर दबा देती हूँ। पूरे दिन के बैठे खेलते रहते हैं ये, तो थक चुके होंगे, अब इनके हाथ पांव दबा देते हैं इनको अच्छे से, निन्नी आ जाएगी फिर। तो मेरे बच्चे भी इसी प्रकार मैंने बता रखा है उनको, जब मैं बिजी होती हूँ तो मेरे बच्चे आकर के, मेरा छोटा वाला बेटा तो वो और भी अच्छे से इनको पता नहीं क्या क्या बातें करता है, बहुत प्यार के साथ इनसे बातें करेगा, इनको सुलाएगा वो। मुझे इतने अच्छे से नहीं आता इनको से बातें करना, जब वो भोग लगाता है ना तो वो और भी अच्छे से इनसे बात करेगा, खिलाएगा इनको, जैसे आपस में दोस्त बात करते हैं ना, खा लो बाबू खा लो बाबू, खाना खा लो, कब खाओगे, कितनी देर में खाओगे, अभी आपने सारा फिनिश नहीं किया, ऐसे करके इनसे बातें करेगा। देखिए मेरे बड़े लाला भी अब सो चुके हैं, इनको भी मैं अब बेड पे सुला दूंगी। तो मेरे दोनों लाला को निन्नी आ चुकी है, कोई भी भजन गाइएगा, इनको बहुत अच्छा लगता है इत्र से मालिश कराना। तो अब ये मेरे दोनों लाला सो चुके हैं, अब मैं इनको कम्बल उड़ा दूंगी। तो सर्दियाँ अभी ज़्यादा हैं तो मैंने इनको डबल हैंकी कर रखे हैं, इनके डबल कम्बल, तो इन्हीं को मैं उड़ा करके इनको चरण स्पर्श करके, और इनकी जो बंसी है इनके सिराने ही रखती हूँ मैं, और सिराने ही रखनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपना आभार प्रकट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।